महिला का पहले से भैया आ गए और बढ़िया लग रहा है क्योंकि आज पहली बार बॉर्डर पे महिला दिवस मनाया जा रहा है। तरफ से महिला दिवस तो बढ़िया लग रहा है, सारे काम पहली पहली बार ही हो रहे क्योंकि बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। होली भी पहली बार ही बॉर्डर पे मनाई, बढ़िया लग रहा क्योंकि सभी धर्मों के साथ सारे काम हो रहे हैं, सभी जात के लिए किसान जात एक हो गई, एक किसान जात है इसको लोग समझ रहे हैं, तो इनके साथ सारे त्यौहार मनाने में बढ़िया आनंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया। एक किसी किसान आंदोलन के जरिए दिशा रवि हो चाहे हो उनको जेल में जाना पड़ा है। देखो हम कभी किसी बढ़िया काम को करें, सच्चे काम को करें तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़े, लेकिन जो सच्चाई थी पटियाला कोर्ट ने दिशा रवि को रिहा कर दिया और सम्मान से और ये कह दिया कि इनके जो सबूत तक पैसा नहीं मिला, तो उन लोगों को रुकी आनी चाहिए जो पुलिस वाले भी हैं जिनमें और जो और भी लोग हैं जो ऐसे ऐसे लोगों के कहने पर ऐसे गिरफ्तार करने लग रहे हैं, आंदोलन जो सहयोग कर रहे हैं, जो कृपया करके ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, ये आपको झूठा साबित करना चाह रहे, मेरा अनुरोध है प्रशासन। पूनम जी आप एक मतलब बनी हुई है सोशल मीडिया पर, दूसरी बात यह है कि जैसे जैसे हमारे देश में सभ्यता का विकास हो रहा है वैसे वैसे ही जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, 24 घंटे में करीब 90 महिलाओं से दुष्कर्म होता है हमारे देश में, क्या कहना है इस पे आपका? ये आंकड़े अभी के पहले भी है, इसी का आंकड़े ये अभी के ना, और पहले क्या है दुर्भाग्य की बात है कि हमने इतने मंत्री सरकार को चुना हुआ ठीक और उसके बावजूद ऐसा काम हो रहा और नए नए घोषणा पत्र मांग रहे हैं, वोटिंग करवा करवा के बंगाल में जाके हैं और के घोषणा पत्र बताओ क्या क्या चाहिए क्या करना चाहिए। अरे जो देश में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की पहले घोषणा कर रहा कि उन्हें निवाल निकाल लो, उन्हें कर लो ना पूरी घोषणा की विकास बन रहे हो, पूरे देश में ऐसा माहौल हुआ पड़ा, देख लो आप क्या हुआ हथरास में, हथरास में जो पहला वाला कांड हुआ जो तेल को छिड़क गया उस लड़की को अंतिम संस्कार करो गया, अगर उस पर सख्त कार्रवाई होती ना और दो चार ये जो जिन्होंने पुलिस वाले ने सहयोग करो अगर उनके दो चार इनके खिलाफ बढ़िया कार्रवाई होती कहीं मेरे हिसाब से दूसरा नहीं होता। मैडम लड़की रो रही है, लेकिन आप महिला है, महिला दिवस है, महिला दिवस पे आपने मंच को संबोधित नहीं किया। भैया मेरे से तनु कह दी मंच पे, मेरे भाई है वो भी पूछा और कुछ महिलाएं भी आई हुई जो मेरा बड़ा प्यार करती हैं, बच्ची भी आई हुई है, तो कह दीदी हम आपको हम बहुत दूर जाना, भोजपुर से आई हुई थी दीदी हमें बहुत दूर जाना, हम आपको सुनना है, मैंने कहा बेटा थोड़ा टाइम लग रहा है दो क्योंकि और लोग बैठे हुए हैं, तो मैं तो एक घंटे से सवा घंटे से बैठी हुई थी वहां पे, तो उन्होंने मेरे से तो भैया ये कह दिया कि पहला सारे संगठन की अनुमति लेकर आओ जब मंच पे बोलन देंगे, तो ये मंच वही है गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ मैं ठीक, ये मंच वही है, मेरे से तो ऐसा कह दिया, हो सके जितनी महिला बोल रही है सारे संगठन की अनुमति लेके बैठी हूँ वहाँ और वे अनुमति लेके बोल रही हूँ, भाई ऐसे भी हो सके, क्या पता इनके संगठन के बोलने अनुमति लेने वाला व्यक्ति बोल सके मंच पे, ऐसा भी तो हो सका है, तो मुझे मेरे को तो वहाँ जो लड़की थी वहाँ पे उसने कहा जी ये जो है मेरे को परमिशन नहीं है कि जो है आप पूनम पंडित यहाँ बोले, आप पहले पूरे संगठन की अनुमति लेकर आओ, अब अनुमति लाने में 4-5 दिन लगेंगे ना, 40 संगठन है इस जो आंदोलन कर रहे हैं किसान मोर्चा मंच को नेतृत्व में चल रही हूँ जो मंच यहाँ पे लगा हुआ किसानन को, तो ये जो है जो अनुमति मेरे से लिवाना चाह रहे हैं वो तो लड़की जानती नहीं, मैं तो आज पहली बार उससे मिली हूँ, उसे क्या पता कौन इस बात को कह रहा है, ये पूछो ना उनसे जाके जो मेरे से वो कह रहे हैं कि तुम अनुमति लेकर आओ, पूछो उनसे क्यों नहीं बोलने दिया, मैं को ना बोलने दिया, मुझे क्या पता क्यों नहीं बोलने दिया, मेरी क्या गलती है भाई, हम तो आए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो मंच लगा हुआ ये तो किसानों का मंच लगा हुआ, अब क्या ये सारी महिला जितनी आज बोल के गई 8 मार्च 2021 में यहाँ महिला दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वोटर पर क्या सारियों ने अनुमति ली थी 40 के 40 संगठनों से, है ये सवाल आप उनसे करना कि क्या आप अनुमति लेके बोली थी मंच पे। मैडम आप तो पिछले कई महीने से यहाँ पर पूरा अपना सहयोग कर रही हैं और आपको यहाँ पर तो नहीं बोलने दिया गया, क्या सोशल मीडिया बिल्कुल है, नारी को नारी भी दबाती है ठीक, जो मेरे वाले के मैटर में पहले हुआ, और नारी को आदमी भी दबावा है, सारे को नहीं दबाते, मुझे कुछ लोग करते हैं इस काम को, जो पहले भी मेरी गल करो ये शोषण कर रहे हैं मेरा, मेरा शोषण करके तुम कहीं नहीं जा पाओगे और मेरा शोषण तुम कर नहीं पाओगे, ध्यान रखना जो लोग कहते हैं कि परमिशन लेकर 40 संगठन तो मैं परमिशन लेकर आऊँ, 40 से यहाँ परमिशन लेकर महिला बोलेंगी, जितनी महिला यहाँ लंगर चला रही है क्या परमिशन लेकर बैठी हुई है वे, हैं वे यहाँ मेहनत कर रही है 3 महीने हो गए 102 दिन हो गए, तो कुछ लोगों का आंदोलन इसका मतलब होगा, इनकी मर इनकी निगाह में होगा, जब तो नहीं बोलन दिया मुझे, आपने देखा मैं वहाँ 1 घंटे से 1.25 घंटे से बैठी हुई थी, 1.25 घंटे बैठी, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में नंबर आएगा बोलेंगे भाई अच्छी बात है महिला दिवस है बोलेंगे, तो मैंने जब मैंने कहा क्लियर कर लेते हैं, जब वो लड़की ज्यादा परेशान हो गई, ज्यादा महिलाएं वहां जाने लगी, पूनम पंडित को कितनी देर में बुलवाओगे, पूनम पंडित कितनी देर में बुलवाओगे, तो मैंने उनसे कहा आंटी रुक जाओ आप थोड़ा सा, अभी बहुत सारी लेडीज हैं, किसानों की लड़ाई नहीं है मंच की लड़ाई, सुन लीजिए मेरी बात, जितनी बात वहां पे हुई तो मैंने कहा इनसे पूछो कि मैं यहाँ बोलूंगी या नहीं, अच्छा नहीं लगता कि सभी महिला मेरी वजह से मंच को डिस्टर्ब कर रही है,
जो लेडीज थी वो कह रही थी पूनम पंडित बोले पूनम पंडित बोले, तो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, पूरे मंच चल रहा बीच में कोई डिस्टर्ब करे, तो मैंने कहा ये क्लियर पूछ लो इनसे। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा आंटी पूछना, मैं बिल्कुल पास ही में वहीं खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैम देखिए यहाँ पे जितनी भी बैठी हुई है सभी अपने आप में कुछ है मंच पे, और जो पूनम पंडित है उनको 40 संगठनों की अनुमति लेकर आनी पड़ेगी जब गाजीपुर बॉर्डर पर मंच को बोलना पड़ेगा। कमेटी से बात कीजिए ना, कमेटी से बात किया है, कमेटी से मैं बात करूंगी अभी, तो यही हूँ भाई। अब इस बात को बिल्कुल लिखित में करूंगी, घबराओ मत। पहले जो हुआ जिन्होंने पहले रोका, मैंने रूपरेखा न बदले आंदोलन की, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो, लेकिन अब खुल के बता देंगे ना, खुल के हर चीज दिखा देंगे ना कि क्या क्या हुआ क्या क्या करो। लेकिन आज महिला दिवस आ रहा है, तो महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं मंच पे, या महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, अपमान करने आ रहे हैं? ये तो बड़े लंबा चौड़ा बोलते हैं महिला, बताओ ना आप। महिला ने मना किया, देखिए वो जो महिला वहाँ का संचालन कर रही है उसको कुछ नहीं पता था, कितनी पकड़ूं सिर्फ उन्होंने उनसे कहा गया होगा ना, तुम अभी तो उन्होंने गया, वो क्या कहने, उन्होंने कहा कि पूनम पंडित जो है मैं किसी को बोलना चाहती हूँ, तो उन्होंने मैडम देखो इनको बोलने के लिए मंच की अनुमति लेकर 40 संगठनों की, जब पूनम पंडित यहाँ बोले इतनी बात उन्होंने कही, तो मुझे नहीं पता उन्होंने किसी का आंदोलन, अब आपको लगता है कुछ ही लोगों का नहीं, 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 ये पूरे किसानों का भाई। देखो आंदोलन तो किसान आंदोलन पूरे किसानों का आंदोलन, जन आंदोलन है, पूरी जनता चाहता है। महिला दिवस के ऐसे बताओ महिलाओं के साथ में क्या कर रहे भाई, मैंने अपने लिए कुछ माना क्या? महिला दिवस ये जो आंदोलन है पूरी जाति का आंदोलन है, पूरे धर्म का आंदोलन है, ठीक पूरे धर्म का आंदोलन है, पूरी जाति का आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन वहाँ पे मुझे क्यों नहीं बोलने दिया, ये सवाल का जवाब मैं थोड़ी दे सकूँ? चलो परेशान करने क्यों कर रहे हैं आप, कुछ होने जाके फिर भी मैं आती हूँ, आऊंगी, मेरा अधिकार है, मैंने इनको सहयोग करा, इनकी इन हरकतों से मैं रुकने वाली नहीं हूँ, किसानों के साथ ही हूँ रहूंगी। महिला दिवस पे महिलाओं का रहना भी चाहिए, आप ये ना कहो कि मंच जो है मैम, देखिए आपके सहयोग से आशीर्वाद से जितने भी मेरे किसान बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद प्यार मोहब्बत दिया, देखो मैं यहाँ खड़ी हो गई ना, ये मेरे बुजुर्ग मेरे साथ खड़े, ये भी एक सोच हो गया, हो गया ना, हो गया। ये सवाल आप उनसे करो ना जाके, क्यों नहीं बोलने दिया उनसे पूछना, मुझे क्या पता क्यों बोलने दे भाई, मैं तो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं, आप थोड़ा कमेटी थी पूछ, आप फेसबुक आएंगी इसके लिए, फेसबुक पे लाइव आएंगी, देखिए कमेटी से बात करने के बाद लाइव आऊंगी, मैं अपने पेज से लाइव आऊंगी, जनता मुझे इतना प्यार करती है, युवा इतना मुझे सहयोग करता है, क्या युवा नहीं है यहाँ पे, क्या मुझे प्यार करने वाले लोग नहीं है, क्या ये बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद नहीं देते, प्यार नहीं करते? आऊंगी अपनी परेशानी से बताऊंगी, समस्या बताऊंगी, मेरे साथ ये दो शब्द कहे, मैंने तो कहा नहीं इनसे कि तुमने क्यों कहे क्यों ना कहे, अब ये बात आप उनसे पूछ रहे हो ना। क्या आपको लगता है कि मंच की जरूरत है, आप अपनी आवाज कहीं से? बिल्कुल नहीं, मैं तो अपनी आवाज कहीं से उठा सकती हूँ, मुझे नहीं है बिल्कुल भी जरूरत, ध्यान रखना मुझे मंच की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आवाज अपनी सच की होनी चाहिए, ठीक अधिकार की होनी चाहिए, मैंने किसानों के लिए आवाज उठाई, इनके साथ हूँ रहूंगी, महिलाओं का सहयोग इतना मिला उनके साथ रहूंगी, इन युवाओं के कहीं से भी मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ, मंच उन्हें देना जिन्हें जरूरत हो, जो मंच के पीछे भाग रहे हैं उन्हें देना, ठीक मंच की भी लड़ाई है इनकी होगी भाई, मेरी नहीं है, मैं तो यहाँ रोड पे खुश हूँ, मैं रोड पे खुश हूँ और बहुत खुश हूँ, मीडिया वालों का मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत आप लोगों ने सहयोग करा, सभी लोगों ने करा, तो मैं तो यहाँ भी बहुत खुश हूँ, दुखी तो वे लोग हैं तो मुझे इस तरीके की बातें कहते हैं, मैं क्या करूँ भाई, आपसे डर लगता है क्या? पूछ लियो उनसे जाके, उनसे पूछ लेना भैया, देखिए मुझे तो नेता ना बनना, मैं तो नहीं ठीक हूँ, और लेकिन जिन ऐसे ऐसे झूठे लोगों की अगर मेरी वजह से हालत खराब होती है तो पूरी हालत खराब करूँ, ध्यान रखना। पूनम जी चुनाव आने वाले हैं अगले महीने में यूपी में पंचायत के, क्या कुछ ऐसी है आपकी प्लानिंग, चुनाव लड़ा जाए पंचायत का, जिला पंचायत, तो गोल क्या है आपका, उद्देश्य क्या है? देश उद्देश्य तो यू है, जो ये नेता जी ने भी चुन के बैठा है ना, और ये वादे करके भूल जा मैं कि नहीं आपको लगता है कि बाद में फेसबुक पे लाइव आना चाहिए ना, जब मैं आप यहाँ क्यों नहीं आ सकती, क्या कारण है क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आ सकती लाइव, भाई मेरे को मेरे पेज पे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो क्या मेरे साथ समस्या होगी, मैं बताऊं नहीं, अब मेरा परिवार है वो, आपको ऐसा नहीं लगता आंदोलन बदनाम हो रहे हैं? क्यों क्यों हो जाएगा बदनाम, ये परिवार का मैटर है, सुलझा लेंगे ना, सुलझाएगा तो बता देंगे बिल्कुल, क्यों आ गए तू, अगर लाली बढ़न लगी कहीं तुझे रोकेंगे, क्या तू नहीं बताएगी, क्या तेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होगा, क्या तू नहीं बताएगी, तो बता देंगे, आज तो मुझे अकेले की ऐसी बात कर रहे, क्या बताओ और चार लड़कियों गिनती हो जा, तो मैं नहीं चाहती किसी लड़की की आवाज को दबावे, भाई ने सवाल पूछा मैंने जवाब दे दिया, क्यों ना बोली, मैंने थोड़ी गई तुम ये सवाल मेरे से करी हो, सच बोल दिया, बीमारी मेरा यू है,
बोल दिया सच बता दी कि इन यू बात कही मेरे से, तो वो तो लड़की मुझे जानती भी नहीं, मैं तो बेचारी पहली बार मिली हूँ जो संचालन कर रही है। कोई बात नहीं, हम कमेटी से बात करेंगे, कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हम 3 महीने से यहाँ है। आंदोलन को सहयोग सड़क पर भी कर सकते हैं, आंदोलन को सहयोग हम सड़क पर खड़े होकर कर रहे हैं। और जिस दिन से पहली बार आवाज लगी थी उस दिन से मैं मंच पे नहीं गई हूँ, ठीक। और मंच की लड़ाई नहीं है मेरी, मेरी तरफ से मंच की लड़ाई नहीं है। अगर मेरी तरफ से मंच की लड़ाई होती तो मैं बिल्कुल जाती, जबरदस्ती करती, ये करती वो करती, लेकिन मैं बॉर्डर पे आ रही हूँ, सड़क पे रह के बहुत खुश हूँ। आपकी बातों से लग रहा है कि आप सिर्फ मंच के लिए लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे होंगे, पत्रकार महोदय इन्होंने सवाल करा, मैंने जवाब दिया, आप लड़ रहे होंगे। और सुनिए, मैं जिस दिन जिस दिन तक आंदोलन में हूँ मैं यहाँ पे हूँ, आपको जवाब देगा जब मेरे से सवाल करना। और क्या बताऊँ नहीं सच बात, फिर कैसे कह रहे हो आपकी आपकी तरफ से लड़ाई ऐसी मंच की, उनकी तरफ से अभी तक कह रहे अपनी बात रख रहे हैं। भाई ने सवाल करा, जवाब दे दिया, क्या मैडम क्यों नहीं बोली? भाई इसलिए नहीं बोला, शायद हो सके इनका कुछ प्रोटोकॉल हो। ये तो आपके प्रति है प्रोटोकॉल, तो ये बात पूछेंगे नाम कमेटी से, जवाब भी ना दो। एक तरफ आप कहते हो कि अपनी परेशानी बतानी चाहिए, एक तरफ आप कहते हो कि आपकी तरफ से लड़ाई मेरी तरफ से क्यों होती, मेरी तरफ से क्यों होती लड़ाई? अगर मेरी तरफ से लड़ाई होती तो मैं यहाँ पे इतने दिन तक बिना मंच के घूमती हूँ। मुझे मंच की जरूरत नहीं है, मुझे इनके आशीर्वाद की, प्यार की जरूरत है। 20 मंच है, 20 मंच का मतलब क्या है? एक मंच अपना बना लीजिए, जब क्यों बना ले मैं भाई? क्यों देश के किसानों का मंच है, किसी का अपना मंच नहीं है? का मंच है रोटी, रोटी का मंच है, किसी का अपना मंच है? मंच वाले अधिकार कुछ लोगों का क्यों हो रहा मंच पे, जब सबका मंच था आपकी? तो भाई इसलिए तो इनने पूछा सवाल, मैंने जवाब दे दिया। भाई किसानों की लड़ाई यहाँ पे सबकी पूनम जी, एक को बोलना चाहता महिला दिवस है, आप देश में महिलाओं की स्थिति कहाँ देखती हैं आज? देखो जैसे समय एक मंच आप अपना बना लीजिए, क्यों बना पंडित जी हमें वाइट लेना है, आप इनको टारगेट करना है आराम से, कोई टारगेट नहीं हो रहा भाई। मुझे मंच की जरूरत नहीं, मैं अपना मंच क्यों बना लूं? यू किसानों का मंच है, यू रोटी का मंच चल रहा, यू देश का मंच है, क्यों बना लूं? मैं अपना नया मंच बनाने आ रही हूँ, यह मंच छीन ना रही मैं। जो लोग आपको टारगेट करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको मंच पे नहीं जाने देते, यहाँ कमेटी में, कमेटी में पूछेंगे भाई। नहीं पता है सबका मंच रोटी का मंच हो सकता है, क्या पता सभी को थोड़ी बात है, हो क्या पता सब लोगों ने कहीं चलवाई हो, ये बात मैं कमेटी में रखूंगी जाकर, पूरी किसान मोर्चा मंच की कमेटी में रखूंगी जाकर ये बात। अगर ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं, मेरे साथ युवा नहीं जुड़ा हुआ, मेरे साथ महिला नहीं जुड़ी हुई, मेरे साथ ये बुजुर्ग नहीं जुड़े, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पहले मेरे से भूल हो गई कि मैंने रो क्या झटका है, दुख तो सब ही होता है, लेकिन आज दुख नहीं है बिल्कुल भी। आज इस बात का कि मंच के एक बात तो देखिए घबराहट हो रही है कुछ लोगों को, हो रही है ना ये बात भी, तो आप देखिए ना, लेकिन मैं तो यहाँ रोड पे खड़ी हूँ, ये मंच बन गया, आप घुमा कर दिखाइए। मंच जो है बड़े बड़े जो मंच होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टी के मंच हमने देखे, नेताओं के मंच देखे, गिरते हुए भी देखे, संभलते हुए भी देखे। सड़क रोड एक ऐसी चीज है कि ये स्थिर है, यहाँ रोड धरती जहाँ से हम निकले वहाँ मंच हो रहा, इससे बढ़िया बात क्या है? जो बात होगी उसे कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन आज तो पूरी दुनिया महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, चंद लोग पूरी पूरे पूरे मंच को बदनाम करना चाह रहे हैं, ये पता नहीं कौन लोग हैं, बात पता समझ में नहीं आ रही। चंद लोग ही तो होंगे, चंद लोग ही तो है, सारे तो कमेटी वाले ऐसे नहीं कर सकते, सारे नहीं कर सकते इस तरीके की हरकतें हैं, ठीक। ये बदनाम करना चाह रहे हैं आंदोलन को, ये बदनाम करना चाह रहे हैं महिलाओं को, उत्पीड़न करके कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, कहाँ जताना चाह रहे हैं, कहाँ जो घुसे बैठा लिए ऐसे ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन जो महिलाएं जो संचालन कर रही हैं वो भी तो महिलाएं हैं, आप भी महिला, तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? देखो उनसे कहा, देखिए उन्होंने बोला भी था कि मैं भी बुलवाऊंगी पूनम पंडित को, उन्होंने बोला, और जो बाकी महिला बैठी हुई थी ना नीचे, वो वहाँ पे जाके कह रही पूनम पंडित को बुलवाओ, तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा कि वो बार बार कह रही है मंच की मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने कहा कि यार बताओ बोलूँ मैं या नहीं, तो फिर मैं तो साइड में आ गई, और क्या मैं वहाँ पे डिस्टर्ब करती हूँ, मैं वहाँ बैठी हूँ, सारी पूनम पंडित को बुलवाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं साइड में।